देखो बेटा, आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करना है, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स, मतलब अगर मान लो बेटा, लिसन, अगर थोड़े कोल दो या दो तो ज्यादा आइडेंटिकल सेल्स है, तो थोड़े दिमाग दे विच ये क्वेश्चन आना चाहिए वा कि अगर मेरे को दो या दो तो ज्यादा आइडेंटिकल सेल्स है तो उन्हें सेल्स नू सर्किट दे विच मैं सीरीज दे विच कनेक्ट करा के पैरेलल च कनेक्ट करा, ठीक है, तो ताकि मैनु सर्किट दे विच मैक्सिमम करंट मिल सके, क्योंकि जदों आपां एक तो ज्यादा सेल्स यूज करते हैं आइडेंटिकल सेल्स दे विच, अगर उन्हां दा नंबर एक तो ज्यादा वा ता उस केस दे विच वो एक तो ज्यादा सेल्स नू यूज करन दा पर्पस ता यही है ना, टू गेट मैक्सिमम करंट। तो उहदे लई बेटा हुण आपां डिफरेंट कंडीशंस नू लर्न करना, याद करना डेरिवेशंस तो, और वो कंडीशंस की है। देखो थानू सब को पता कि अगर मेरे को एक सिंगल सेल है, अगर मेरे को एक सिंगल सेल है जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो अगर मैं इस सेल नो सिंगल सेल नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के नाल कनेक्ट करांगा तो मेनू कितना करंट मिलेगा बेटा, आई एस 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 स्टैंड फॉर सिंगल, है ना, तो साडे लिए ये सिंबल बन गया आई एस, मींस कि सिंगल सेल तो कितना करंट मिलेगा, तो वो आंसर आ जाएगा आई एस इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। हम थानू दसिया होया एक्सटर्नल ते इंटरनल हमेशा सीरीज च है, तो टोटल नंबर वन, तो सिंगल सेल तो करंट थानो टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस दे बराबर है ना, इदा निकले। तो बेटा मान लो मेरे को इस तरह दे सपोज कितने सेल्स है एन, एन कैपिटल एन, ते मैं उन्हें सारे सेल्स नो अगर सीरीज चु कनेक्ट करता, एक सेल दो सेल तो अगर मैं एन सेल्स नो सीरीज चु कनेक्ट करता आइडेंटिकल सेल्स है, तो हाइट सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, तो मेनू कितना करंट मिलेगा सर्किट च, टोटल करंट आई। हुण बेटा इस आई दी वैल्यू नू क्या तुसी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इस आई दी वैल्यू नू निकालन लई मनु की चाहिदा किसी भी सर्किट च ना टोटल करंट दा बेसिक फार्मूला की है, टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। हुण बेटा क्योंकि इत्थे जिहड़ा टोटल ईएमएफ है वो कितना कैलकुलेट करना, तो इत्थे सारे सेल्स सीरीज च है और आइडेंटिकल्स है, और इन्हां विच कोई भी ऑपोजिट ऑर्डर च नहीं कनेक्टेड, सारे सेम ऑर्डर च ही कनेक्टेड है, तो इन्हां दा ईएमएफ कितना आ जाएगा, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ सेल्स इनटू ईएमएफ ऑफ वन सेल। तो इहदा मतलब इत्थे इस सर्किट दे विच जिहड़ा टोटल ईएमएफ है वो एन ई है सीरीज च होण करके, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर है क्योंकि सारियां इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज च, ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बेटा आर। तो हम तुसी की देख रहे हैं इस सर्किट दे विच टोटल ईएमएफ ते टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट
करंट उदो है जो मैं सारे सेल्स नू सारे मतलब किन्ने सेल्स है कुल कैपिटल एन नंबर है ये सारे सीरीज च कनेक्टेड है। हूँ बेटा अगर मैं एक तो ज्यादा सेल्स नू सीरीज च कनेक्ट कर रहा तो उसके पीछे मेरा मोटिव की है टू गेट मैक्सिमम करंट मतलब आज जरा करंट है ये इधर तो ज्यादा चाहिए है ना। हूँ ध्यान दियो बेटा अगर सर्किट के विच अगर इस सर्किट के विच एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल तो काफी ज्यादा है अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल तो काफी ज्यादा है तो इसका मतलब आ वैल्यू इसके मुकाबले काफी छोटी है ना तो आ वैल्यू इसके मुकाबले काफी छोटी है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 1 के बीच आईएस हो जाएगा बेटा ई बाय आर तो फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो आई आ जाएगा एन ई बाय आर तो आर की वैल्यू है ए आईएस के बराबर होने करके ठीक है। पर अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के मुकाबले काफी कट है तो इसका मतलब आईएस की वैल्यू ई बाय आर होगी और इतने भी देखो एन ई बाय एन आर मतलब ई बाय आर इज इक्वल टू आईएस। तो तुसी लॉजिकली सोचो कि अगर मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे कंपैरेटिवली काफी छोटी है तो तुसी नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज च जोड़ता सर्किट च तो थानो सीरीज च कितना करंट मिल रहा है जितना सिंगल सेल ने प्रोवाइड करना इसका मतलब जे एक सेल वाला करंट ही इन्ने सेल्स को जोड़ के तो वेस्टेज ऑफ मनी है ना। इसका मतलब असी नंबर ऑफ सेल्स नु सीरीज दे विच कनेक्ट करना कदों प्रेफर करांगे किस केस च जो सानू पता वा कि सर्किट दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे कंपैरेटिवली मच हायर है बहुत ज्यादा ताकि सानू उस केस च की होएगा सेल नु सीरीज जोड़न नाल जिहड़ा करंट मिलेगा वो सिंगल सेल तो मिलन वाले करंट दा एन टाइम्स होएगा मतलब जितने सेल्स है उतने टाइम्स करंट मिल जाएगा है ना। तो इट मींस इस पूरी डिस्कशन तो बाद जो थानू रिजल्ट याद रखना पड़ेगा वो की है वो है कि कोई भी जो सेल्स है अगर सेल्स का नंबर 2 या 2 तो ज्यादा वा ते उना सेल्स तो मैक्सिमम करंट ऑब्टेन करन दे लई उना सेल्स नु सीरीज च कनेक्ट करना थवाडे लई कदों बेनिफिशियल होएगा जदों थानू पता वा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे कंपैरेटिवली काफी कट है सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दे कंपैरेटिवली काफी ज्यादा वा मतलब उस केस च तुसी सेल्स नु अगर सीरीज च जोड़ के सर्किट नाल कनेक्ट करोगे तां थानू सर्किट च मैक्सिमम करंट मिलेगा तो ये कंडीशन थानू याद रखनी पड़ेगी। तो एक असी बेटा इन सीरीज वाला केस की नंबर ऑफ सेल्स नु सीरीज च कनेक्ट करना साडे लई कदों बेनिफिशियल होएगा तो वो कंडीशन पता लग गई जदों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे कंपैरेटिवली मच हायर होएगी ये पॉइंट याद रख लेना। हुण अगर बेटा असी गल करिए कि सपोज साडे कोल नंबर ऑफ सेल्स है ते उना सेल्स नु पैरेलल च कनेक्ट करना कदों बेनिफिशियल होएगा या साडे लिए वो एडवांटेज होएगी तो ओदे लिए फिर देखो असी की करते हैं बेटा कि आ है साडा
फर्स्ट सेल आ है बेटा, सेकंड सेल, और इधर चलते जाओ आ है क्वार्टा एनथ सेल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारे सेल्स आपस जो है आइडेंटिकल और पैरेलल कनेक्टेड है, और आ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और तुम्हारे याद आ जाना चाहिए बेटा, कल वाली गल आ रही यार, कि इतने तुम्हारे को टोटल कैपिटल एन नंबर ऑफ सेल्स है जिहड़े पैरेलल कनेक्टेड है और आइडेंटिकल है। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਲਸ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲਸ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਟ EMF ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਾਲਨੀ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋ 1 ਓਵਰ RP ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਓਵਰ R1 ਪਲੱਸ 1 ਓਵਰ R2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ n ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ R1 R2 ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ਸਮਾਲ r ਦੇ, तो इसका मतलब RP की वैल्यू कितनी आ जानी है R by N। तो R by N, तो इसका मतलब हुन इस केस में टोटल करंट कितना बनेगा, टोटल EMF ओवर हुन सिंगल सेल वाला तो सेम ही रहना। अच्छा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन स्मॉल r है, मतलब कैपिटल आर के मुकाबले स्मॉल आर नेगलिजिबल है, तो इक्वेशन नंबर 1 IS के नाम गया E by R, तो इक्वेशन नंबर 2 तो क्योंकि आर बहुत छोटा तो E by R। अच्छा, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के मुकाबले बड़ी छोटी है, फिर आर निगलेक्ट हो जाना, IS बन गया इसके बराबर, और आ वाले विच E और R neglect हो गया, R by N ऊपर चल जाना, N times IS, और condition उल्टी होगी। मतलब अगर मेरे को दो या दो तो ज्यादा identical cells है ते मैं circuit के विच होना दी help दे नाल maximum current obtain करना चाहता हूँ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਅ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਇਨ ਪੈਰਲਲ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈੱਲਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਾਂਗਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ, ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ। तो ये कंडीशंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟੂ ਗੈਟ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸਰਕਟ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਦੋਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਮੱਚ ਸਮਾਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿਪਸ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਗੁਰਲੀਨ आर्यन पांजा, क्लियर सर, आर्यन मीनिया, यस सर, चिराग, हरमन, क्रिश, लक्ष्य, मानसी, समरीत,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे मुकाबले काफी ज्यादा काफी तो मैं तो उन्हें सेल्स नू सीरीज च कनेक्ट करांगा। अगर मेनू पता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल दे कंपैरेटिवली काफी घट है मैं उन्हें नू पैरेलल च कनेक्ट करांगा। पर जे बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना काफी ज्यादा वा इंटरनल तो ना काफी घट है सिर्फ थोड़ा ही फर्क है फिर मैं सेल्स नू कितना कनेक्ट करांगा तो ओदे लिए फिर बेटा असी की करांगे ओदे लिए साडे कोल थर्ड ऑप्शन है जिन्हों असी की बोलते हैं दैट इज नोन एज मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग तो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स दे विच बेटा की किया जाता देखो भी अगर मान लो थोड़े कोल कैपिटल एम की है टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स पर तुसी की करना इन टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स दे विच ना कुछ सेल्स नो मतलब स्मॉल एंड नंबर ऑफ सेल्स नो सीरीज च कनेक्ट कर दें सीरीज च और ये जितने सेल्स में सीरीज च कनेक्ट किए हैं सारे नहीं है कुछ तो ये जितने सेल्स है ना ये अपन कह देना फर्स्ट रो सेल्स की इतने ही बेटा अपन सेम एन नंबर ऑफ सेल्स नो सेकेंड रो ऑफ सेल्स तो इधर अपन कितनिया रोज बना देनी है पुत्र एम रोज तो इधर रोज नू आपस जो जोड़ा के ऐसी ये आपस चीन पैरेलल कनेक्टेड है तो मिक्स्ड ग्रुपिंग दे विच की होएगा एक रो दे विच n स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स है और टोटल नंबर ऑफ रोस अगर m है तो इधर मतलब टोटल सेल्स कितने हो गए बेटा m into n है ना एक रो च n सेल्स है टोटल नंबर ऑफ रोस m है तो टोटल सेल्स कितने हो गए m into n और n दे बराबर टोटल नंबर ऑफ सेल्स अच्छा होने आ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इस सर्किट का एनालिसिस करने के लिए तुसी की करना देखो जेडी फर्स्ट रो दे विच जे मेनू कोई पूछे टोटल ईएमएफ कितना फर्स्ट रो दा टोटल ईएमएफ क्योंकि फर्स्ट रो दे विच सारे सेल्स सीरीज च कनेक्टेड है सेम ऑर्डर च आइडेंटिकल्स है ते फर्स्ट रो च टोटल कितने सेल्स है स्मॉल एन नंबर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਰੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਈਐਮਐਫ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਈਐਮਐਫ ਆ ਜਾਏਗਾ ਐਨਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਸਮਾਲ ਐਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਰ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਐਨ ਆਰ ਇਹ ਫਸਟ ਰੋ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ और mth रो भी इतनी होएगी हो बेटा
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਸਟ ਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ, ਐਮਥ ਰੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਫਸਟ ਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ, ਐਮਥ ਰੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਹਰ ਰੋ ਦੀ EMF ਬਰਾਬਰ ਹੈ ME ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ EMF ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ EMF ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੋਟਲ EMF ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਗਲ ਸੈਲ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆਏਗੀ ਬੇਟਾ? ਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ NR ਹੈ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ NR ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੁੜੇ ਆ? M। ਤੋ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣੇਗੀ NR/M। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ 1 ਓਵਰ RP ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 1 ਓਵਰ R1 + 1 ਓਵਰ R2 ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? M ਟਾਈਮਸ। ਹੁਣ R1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ NR ਹੈ, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ NR ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਓਵਰ NR + 1 ਓਵਰ NR ਨੂੰ M ਟਾਈਮਸ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਬਣ ਗਿਆ M/NR। ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ NR/M। ਤੋ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕਰੰਟ I ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਟੋਟਲ EMF ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਲੱਸ ਇੰਟਰਨਲ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜੂ? NEM ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ? ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਪਸ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ 'ਚ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ? ਤੋ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਆਈ ਟੂ ਬੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਆਈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ a plus b. ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਤੋ ਆਈ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਨੀਮਮ। ਤੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਕੁਅਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੋ ਆਈ ਟੂ ਬੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਤੋ ਆਹ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ੀਰੋ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਮ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਐਨ ਆਰ, ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। R is equal to NR/M। ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ ਓਬਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ R ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ NR/M ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? NR/M ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਸ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਮ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਣੇਗਾ ਹਨਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਨ ਆਰ ਬਾਈ ਐਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਇਸ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਐਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਸ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, ਤੇ ਐਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਸ ਹਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਇਨ ਪੈਰਲਲ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਟਰਮਸ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੋ ਆਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਸਮਾਲ ਆਰ ਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੋ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋ ਆਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਤੋ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਆਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੋ i ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ n e, ਤੋ ਆ ਟਰਮ ਤਾਂ ਬੇਟਾ 0 ਹੀ ਹੈ ਤੋ 2 ਅੰਡਰ ਰੂਟ m r ਅੰਡਰ ਰੂਟ n r। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n n r ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ m r ਇੱਥੇ, ਤਾਂ i ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਐਨ ਈ ਓਵਰ 2 ਐਮ ਆਰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਆਰ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ i ਮੈਕਸੀਮਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮਿਕਸਡ ਗਰੁੱਪਿੰਗ ਲਈ ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ